विकास की बात करें, चाहे ग्रामीण की हो, चाहे आपकी शहर की हो, चाहे हल्के की हो, तो क्या मानते हैं कितना विकास देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं, नगर पालिका काम कहाँ देख रहे हैं? भाई वोट मांगने जाएंगे लोग क्या मांगने काम करेंगे? पानी समस्या आपने बताइए। आपको सही बात बताऊं, जब चुनाव आते हैं उस टाइम एक अलग छाया चढ़ती है, तब ये चीजें सिर्फ कहने के लिए होते हैं विकास और बाकी लोग नहीं देखते। कुछ उत्तर में बढ़ जाते हैं, कुछ खेमे में बढ़ जाते हैं, कुछ अपने जिताऊ कैंडिडेट देखते हैं, कुछ अब यहाँ तो कुछ लोग इसलिए वोट डालते हैं कि हमें जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको हराने वाला चाहिए। अहम बात, इस चुनावी चर्चा के दौरान मैं बस स्टैंड था, वहां से निकला तो मैं सोच रहा था कोई पत्रकार मिले जो बारे किसी मुझे बता पाए कि अब की बार की जो साधारण की जनता है क्या मन बना रही, अखबार क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रही और पब्लिक के अंदर क्या क्या बातें चल रही। तो मेरे हाथ में आ गई कृष्ण भाई साहब, कृष्ण भाई क्या मन मन लोगों के अंदर चर्चा चल रही, क्या रुझान अब की बार वोट कराएगा? अब की बार रुझान ये है कि यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ, पहले बसपा और कांग्रेस की टक्कर नजर आ रही थी। अच्छा, पहले बसपा की और कांग्रेस की टक्कर नजर आ रही थी शुरू में। अच्छा, और यहाँ से पिछली बार भाजपा है मुख्य पार्टी होते हुए वो 3 नंबर पे थी भाजपा। हाँ, अच्छा, 3 नंबर पे थी, फिर टिकट पे विचार हुआ चूंकि पार्टी 3 नंबर पे है। तो पीछे बीते 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, चाहे यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे शराब तस्करी का मामला हो, भाजपा ने पूरे 5 साल में कहीं भी विरोध नहीं किया। अच्छा, यानी भाजपा चुपचाप बैठी रही, बोल रही कोई नहीं। और गर्मियों में यहाँ लाइट की बहुत बड़ी परेशानी लोगों को, पानी की भी, ये रेगिस्तानी एरिया आप देखते हैं, पानी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत रही, पीने के पानी की। लोग तो सिंचाई का मांगते रहे इस क्षेत्र में, पीने के पानी की भाजपा नहीं बोली। अच्छा, बात बोल रही कोई नहीं। हाँ, और वो उन्हीं के घर से सांसद है, तो लोगों को ये भी रोष था, भी हमने सांसद भी यहीं भाजपा से चुनाव, आप विधायक का भी यहीं लड़ना चाहते हो, फिर कम से कम विरोध तो आदमी करे। फिर ये रिपोर्टें आपको भी पता है ऊपर तक भी जाती हैं, सर्वे अलग प्रकार के सर्वे होते हैं, सर्वे में सामने आया कि भाजपा है वो यहाँ नहीं है, 3 नंबर पे ही है। उसके बाद खोज शुरू करी गई एक ऐसे कैंडिडेट की जो मजबूत, हाँ, जो मजबूती से लड़े। तो फिर इन्होंने वो ध्रुव का इक्का जो बोलते हैं वो निकाला कि कांग्रेस के एक पुराने गद्दार नेता को निकाल के लाए, उनको टिकट, मतलब कांग्रेस की जो नेता को तोड़ के भाजपा शामिल करवाया गया। फिर पुनिया हमेशा कांग्रेस के ही रहे, कांग्रेस के रहे, विधायक भी रहे, निर्दलीय भी विधायक रहे। और आपको बता दूं 13-14 साल एक बार बोलते हैं कि विधायक रहे थे, वो चुनाव नहीं हुए, सबसे लंबा कार्यकाल विधायक का रिकॉर्ड नंदलाल जी के नाम है। अच्छा, तो नंदलाल जी के आज भी हर गांव में आदमी को पकड़ है। हाँ, ये ध्रुव का इक्का ये लेके आए, ध्रुव का इक्का ले आई कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस के ही आदमी को भाजपा की टिकट दे दी। हालांकि बाद में उनकी पुत्र वधु को टिकट मिली, लेकिन क्षेत्र में ये लोग अभी भी लोग चुनाव है वो नंदलाल जी का ही मान रहे हैं। अच्छा, भले ही नाम से नामांकन, नामांकन आप गाड़ियों पे देख लो, बच्चों में नाम नंदलाल जी का ही, और नंदलाल जी के वोटर हैं वो बढ़ चढ़ी भाग। अब पहला समीकरण ये लगा रहे हैं कि जो पहले भाजपा थी प्लस जो कांग्रेस के आदमी थे जो नंदलाल के थे, वो दोनों मिला के अगर देखे तो अच्छी संख्या बनती है, चुनाव जीत रहे। जिस प्रकार से पहले कांग्रेस की जो कांग्रेस के अंदर नंदलाल जी थे, पुराने कांग्रेस होगी, बुजुर्ग लोग इनके निजी संपर्क भी होते हैं, आदमी दो 3 बार विधायक रहे, प्रधान भी रहे, सरपंच भी रहे, जमीन से उठे आदमी सरपंच भी रहे, प्रधान भी रहे। अब जिस प्रकार से कांग्रेस तो छोड़ के भाजपा में आना, भाजपा में टिकट मिल जाना, तो इसलिए कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान देखा जा सकता है इस सीट से। बिल्कुल, ये तो है ही, जो पुराने कांग्रेस के आदमी थे वो इनके साथ कुछ आए, कुछ आए भी नहीं, खेमे में बट गए, इसलिए इनको ये जो 3 नंबर की भाजपा ये बिल्कुल टक्कर में आ गई। और फिर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने अब की बार देखो काम तो किए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कृष्ण भाई, ये भी 2 पुनिया की लड़ाई में 3रा फायदा था, जो मनोमन नांगली फायदा टास्क है। आगे ये इस बात पे आना चाह रहा था, अब भी तो भाजपा की बात होगी, अब कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस ने काम धरातल पे तो कराए हैं, अच्छा, कोई दो राय नहीं, उन्होंने कृषि महाविद्यालय भी खुलाया है, स्टेडियम भी बनाया है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, कुछ जाति गोत्र की भी बात हो रहा है। आदर्श आचार संहिता में जाति गोत्र को ये कहते हैं नहीं, नाम नहीं लेना, लेकिन पार्टियां भी तो टिकट जाति और गोत्र के हिसाब से दे रही हैं, तो वो मुद्दे भी जाति गोत्र के हिसाब से, वोट भी उस हिसाब से करते हैं। तो जाति क्षेत्र का यहाँ भी फर्क पड़ता है चुनाव के अंदर, राजस्थान हरियाणा, यहाँ पे गोत्र का ज्यादा चलता है, जाति का कम, गोत्र का ज्यादा। तो अगर वोट इतने हैं, अगर एक पुनिया गोत्र इकट्ठे हो तो अकेले विधायक बना लिया। अच्छा, इसलिए वोट है, हाँ, इसलिए गोत्र का ज्यादा रहे, ये दोनों एक ही गोत्र से हो गए, दोनों पुनिया हो गए।
उधर जो बसपा है, बसपा को हालांकि कोई कुछ भी कोई इतनी कमजोर स्थिति में बसपा नहीं है, क्योंकि विधायक भी रहे हैं और आप ये मानो 30-40-50 हजार वोट तो इनके पल्ले हैं, हमेशा ही रहते हैं। गोत्र की बात करूँ तो इसमें मोमडन समाज है वो भी बसपा की तरफ झुकाव दिख रहा, राजपूत समाज है वो भी बसपा की तरफ, क्योंकि बसपा कैंडिडेट दिया हुआ है। अच्छा जी, फिर एससी वोट है, राजगढ़ का एक सिस्टम और भी है, यहाँ एंटी जाट एक खेमा होता है 20-30 हजार का, वो भी उनके ही पलड़े में। अच्छा, यहाँ पे भी जाट जाट नौ जाट का रोड़ा रहेगा? रहेगा बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। जीरो बिल्कुल रहता है, यहाँ एंटी जाट वोट होते हैं। ये पता कर दस बार नहीं मैं जानता नहीं, 10-15 हजार वोट हैं वो रहते हैं, वो भी उनको बसपा को नहीं, बसपा एकदम ये नहीं है कोई 5-10 हजार पे सलट जाएगी, टक्कर में रहेगी। टक्कर में तो अब टिकट की मान रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की, और ये भी कमजोर नहीं है, मतलब त्रिकोणीय संघर्ष है, तीनों में से कोई निकल सकता है, बाकी अपने अपने जो मतदाता हैं वो अपने अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, अपने अपने कैंडिडेट की जीत गा रहे हैं। हाँ, लेकिन निकल कोई सा भी सकता है, कमजोर मुकाबला तीनों में बीच में रहेगा, एकदम कमजोर कोई नहीं है, कमजोर नहीं है, यानी एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक। तो ऐसा तो नहीं बोले भाई कभी इनकी लड़ाई में वो वास्तव में फायदा उठा ले, कि जनता भी इसमें वो चर्चा है, उठा ले तो उठा सकता है, अभी दोनों एक ही गोत्र से हैं, बीजेपी कांग्रेस, गोत्र का अपने नाम लिया, गोत्र का प्रभाव यहाँ पे बिल्कुल है, और गोत्र बटके रह जा ऐसे में अगर नॉन जाट और अगर हालांकि देखो मुस्लिम वोट और SC ST की वोट वो है वो कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं कुछ, ये नहीं राजपूत समाज की जोड़ा, ये भी नहीं राजपूत समाज के तो बसपा को ज्यादा बसपा को जाएंगे, 100 का 100% तो किसी जाति का नहीं जाता, नहीं जाट का जाता, नहीं SC का जाता, नहीं कोई अन्य OBC का जाता, नहीं जनरल, 100 का 100 तो कहीं नहीं जाता, वोट तो पड़ेंगे मिले जुले, वोट पड़ेंगे 2% बोलेगा 5% बोलेगा, कहीं से किस कैंडिडेट को नुकसान हो रहा है तो कहीं दूसरी साइड से उसको फायदा भी हो रहा है, इधर से अगर वोट कट रहे हैं तो उधर से कहीं से मिल भी रहे हैं, नुकसान किसको हो रहा है और फायदा किसको पहुंच रहा है? कैसे भाई, नुकसान किसी को नहीं है, बीजेपी है जो तीसरे नंबर की पार्टी थी वो आज टक्कर में आगे खड़ी है, इसको भी नुकसान नहीं है, नुकसान कुल मिला के कांग्रेस है जो एक तरफा जीतती दिखाई दे रही थी पहले कैंडिडेट आने से पहले, और मुकाबला है वो बसपा और कांग्रेस में सब बताया जा रहा था, अब नुकसान दोनों को ही, बसपा को भी हुआ है थोड़ा, कांग्रेस को भी हुआ है, कांग्रेस जो अपनी लीड और एक तरफा मान रही थी वो बात बची नहीं है, लेकिन मजबूत स्थिति है, बार कह रहे थे कि कांग्रेस तीसरे नंबर है तो इतनी कमजोर स्थिति नहीं है तीसरे नंबर वाली, जिस प्रकार से वर्तमान की विधायक का काम है ये लोग सराह रहे, लेकिन बीच में एक बात उठी कृष्ण भाई, जो दलालों की बात भी चर्चा बनी हुई इस हल्के की, इस शहर की, अच्छा जी बॉर्डर की वाली बात भी बनी हुई, नशे की बात भी यहाँ पे देखी जा रही, फिर गुंडागर्दी का मामला भी बड़ा जोर से, ये वास्तविकता बात है क्या? क्या बना, ये कोई विधायक या नेता की बात नहीं है भाई साहब, ये हमारी भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति वो इस प्रकार से है कि हमारा बॉर्डर हरियाणा से लगता है जी, कानून पेच ऐसे हैं कि यहाँ से कोई मर्डर क्राइम करके वहां चला जाए, वहां भाग जाए, या वहां का क्राइमर यहां आ जाए तो उसको सहूलियत मिलती है, ये जो भौगोलिक स्थिति है ये इस प्रकार यही से इस वजह से क्राइम है, न कि कोई विधायक, और ये क्राइम आज नहीं, अब सच तो ये है कि ये क्राइम कर करके नेता बने लगभग, तो अच्छा आप क्राइम पे कहाँ बात करोगे, बताएं आप पत्रकार हैं आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना, हाँ क्राइम करके ही नेता बने गई तो, अच्छा कई तो, नेता तो क्राइम करके ही बने, जेल काट काट के नेता बने, विधायक भी जीते हैं यहाँ, तो ये स्थिति है ना, ये किसी विधायक या उसकी वजह से नहीं है, इससे पहले भी क्राइम हुए थे और नहीं चाहते कि आगे हों लेकिन आगे भी होंगे, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहिए, क्यों बॉर्डर है भाई, मेन बात ये है कि हम बॉर्डर पे हैं और यहाँ से भागने वाले मुलजिम को वहाँ सहूलियत मिलती है, कानूनी दाव पेच में वो बचता हुआ नजर आ रहा है, हर अपराधी बचाव की ओर भागेगा तो वो अपराध यहाँ पैसे उधर वाले कर जाते हैं, हमारे वाले कुछ उधर भी करवा करके इधर घूस जाते हैं, मीडिया क्या देख रहे हैं, कोई राजनीति, यहाँ की मीडिया क्या देख रही, क्या लिख रही भाई, हम तो आचार संहिता है तो ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हम त्रिकोणीय संघर्ष बता रहे हैं। तो जिस प्रकार से अब नंदलाल पुलिया है और आपकी कृष्णा पुनिया है और बसपा पुनिया है, तो जो त्रिकोणीय मुकाबले अगर फर्स्ट सेकंड की बात करना तो फर्स्ट वैसे नंदलाल पुनिया रहेगा या आगे पीछे भी दाएं बाएं भी हो चुका है, क्योंकि राजस्थान की तो एक छवि और भी है कि 5 साल का बदलाव करा है, तो बदलाव यहाँ की सीट का बदलाव हो सकता है 100 का 100, यहाँ तो दो दो तीन तीन बार रैली लोग, ये जरूरी नहीं, राजस्थान तो करता है बदलाव, राजगढ़ में दो दो बार लगातार भी रहे हैं विधायक, अच्छा कंटिन्यू दो दो बार रहे हैं, हाँ दो दो बार रहे हैं, यहाँ संसदीय सचिव भी रहे हैं, राजगढ़ वैसे छोटी चीज नहीं है, छोटी चीज बड़ी चीज राजनीतिक स्तर पे, और MP साहब हैं वो तीसरी बार लगातार हैं,
तो यहाँ की अगर विकास की बात करें, चाहे ग्रामीण की हो, चाहे आपकी शहर की हो, चाहे हल्के की हो, तो क्या मानते हैं कितना विकास देख रहे, धरातल के ऊपर देख रहे, नगर पालिका का काम कहाँ देख रहे, भाई वोट मांगने जाएंगे लोग क्या मांगने काम करेंगे, पानी समस्या आपने बताइए। आपको सही बात बताऊं, जब चुनाव आते हैं उस टाइम एक अलग छाया चढ़ती है, तब ये चीजें सिर्फ कहने के लिए होते हैं विकास और बाकी लोग नहीं देखते, कुछ उत्तर में बैठ जाते हैं, कुछ खेमे में बैठ जाते हैं, कुछ अपने जिताऊ कैंडिडेट देखते हैं, कुछ अब यहाँ तो कुछ लोग इसलिए वोट डालते हैं कि हमें जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको हराने वाला चाहिए, हराने के लिए वोट डालते हैं। ये सत्य है ही भाई, इन्होंने गांधी पार्क है शानदार बनाया, पहले उसमें खड़ा था और कॉलेज भी बनाए ही है, सिद्धमो में भी कॉलेज खुलवाया ही है, ये तो है ही, स्टेडियम है वो भी बनवाए, पांच साल में जो जनता दुख दर्द से है और इन्हीं पे वोट, कांग्रेस है जो सिर्फ और सिर्फ अपने विकास पे वोट मांग रही है, काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं, काम के आधार पे वोट मांग रही है, क्योंकि उन्होंने काम करवाए हैं ये सत्य। और मजे की बात ये, विपक्ष ने पूरे पांच साल में अब वोट मांगे, इससे पहले पूरे पांच साल में विपक्ष ने कहीं विरोध नहीं किया, नहीं पेपर लीक का विरोध किया, नहीं किसी, ये मनोज नांगली तो फिर भी थोड़ा बहुत आते हैं अगर किसी की परेशानी हो, तो भाजपा तो किसी की परेशानी हो कुछ भी, मतलब यहाँ 137 चोरियां हुई राजगढ़ में, विपक्ष बोला नहीं कभी, अच्छा कहीं विरोध नहीं, अच्छा भाई यहाँ एक नीति नेताओं की ये भी नजर आ रही है इस स्थिति में कि जनता को अगर निचोड़ेंगे तो अपनी तरफ अपने आप आए, अपने आप आ जाएंगे, तो एक चर्चा बनी हुई है, क्या धर्म है विरोध करना, तो वो किया नहीं, बिल्कुल ही नहीं किया, और उसका परिणाम ये रहा कि घर से टिकट चली गई, घर से टिकट चली गई। अच्छा एक बार इसमें और बात जोड़कर भाई, दलाली की बात बड़ी उठ उठ के आ, दलाली ऐसे सिस्टम क्या बता रहा है, बड़ा तो मैंने नहीं देखा, सुनने में आया लोग बोल रहे हैं दलाली ये झूठ है, मैं पहले इससे पहले मनोज नांगली यहाँ विधायक रहे तो भी मैंने दलाली का तो कोई ज्यादा नहीं देखा सिस्टम, और उसके बाद कृष्णा आ गई तो भी दलाली का मैंने नहीं देखा, दलाली वाला तो मरियो कोई बीच में छुटपुट कोई कर लेता होगा, कर लेता होगा क्या पता, मगर इतना खुल के बता रहे ना ऑफिस में बैठा दिए, ऐसी कोई बात नहीं, नगर पालिका में ही आया है, नगर पालिका में जिन्होंने पट्टे बनवाए तो खूब यहाँ पे प्रचार किए गए, पट्टे फ्री में बनवाए और बनवाए, लेकिन सत्यता है जो अपने अगर कोई हाथ करके देखे सीने सबको पता है किसको कितने दिए फ्री काम नहीं कहा, सत्यता ये अपने को, मेरे लिए सभी पार्टी बराबर है और इसलिए भी बराबर है कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र वो ये नहीं है, आप ये भी नहीं, आप पत्रकार, आप तो आपके तो वो है, मेरे वोट भी आने देते, आपका तो वोट नहीं, आप काम तो यही करते हैं ना फिर, आप तो आप आपके काम के आधार की बात बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बात निष्पक्ष बता रहा हूँ, जब भी मना कोई लेना देना नहीं है कौन सी सत्य, लेकिन ये हकीकत है कि आपके जो सादलपुर का पूरा राजस्थान सीट रहेगी, इसमें तिकोने मुकाबला इस सीट पे रहेगा, तीनों टक्का बराबर के रहेंगे आपस में, वोट सीट रहेगी पड़ोस की है जो तारानगर, अच्छा वोट सीट वो भी तारानगर में रहेगी, वोट सीट तारानगर ही रहेगी, त्रिकोणीय यहाँ यहाँ तो उसमें वोट सीट में क्या वो नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, और अच्छा अच्छा भाई स्थिति भी कमजोर है नेता प्रतिपक्ष की, ये चीज रहेगी, हाँ नेता प्रतिपक्ष है भाई, छोटी बात नहीं है, वो चूरू विधानसभा अपना क्षेत्र छोड़ के और सेफ जोन में आई थी तारानगर, तारानगर अब आने के बाद गिर गए वो, नेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब कौन है, राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़ वो गिर चुके हैं अभी तारानगर में, मुश्किल है, अच्छा ये माहौल बन रहा, तो समीकरण बड़े सुलझे निकलेंगे अब की बार के, तो लगता है कि अब की बार जो अच्छा राजस्थान का एक 30 साल का उदाहरण है कि 5 साल में सत्ता का परिवर्तन कर देते हैं, तो क्या वास्तव में जो यहाँ के सीट का परिवर्तन देख रहे तो क्या पूरे राजस्थान में देख रहे हैं क्या, नहीं पूरे रास्ता नहीं कह नहीं सकते, यहाँ की चीज कब होगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ यहाँ त्रिकोणी है, लेकिन यहाँ पे लोग है ना कहीं ना कहीं कैसे भाई अशोक गहलोत को चाह रहे और सेंटर में मोदी को चाह रहे, आप मैं बताऊँ आप इंटरव्यू करिए, अशोक गहलोत एक शालीन नेता है, वो दो दो तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी शालीनता का कोई जोड़ नहीं, आपको हरियाणा में भी अशोक गहलोत के फैन मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में भी उसके फैन मिल जाएंगे, और उनकी ये छवि उनको अध्यक्ष भी बना रहे थे पीछे, वो बड़े नहीं खड़गे का जब नाम चला, खड़गे जी का नाम चला तो गलत जी का नाम साथ था, गांधीवादी नेता है शालीन है, इसमें दो राय नहीं, तो काम अगर बात करें राजस्थान चुनाव के राजस्थान के विकास की तो भरपूर काम हो गया कांग्रेस राज की बात, हाँ अब देखो वही बात आ जाती है, सत्य बात ये है कि जब ये सरकार शुरू में तो काम हुए नहीं, फिर सरकार डगमगाई डगमगाई, प्रत्येक विधायक है उनको करने लगे फिर उसके बाद जब प्रत्येक विधायक को अच्छे पावर मिले अच्छे पैसे मिले, विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में शानदार काम काम, कृष्णा ने भी खूब काम,
और अन्य जगह देखो तो भी काम। तो अब की बार कह सकते हैं कि भाई कि अब की बार जो काम का धारा वो तो रहेगा रहेगा, लेकिन गोत्रीय जो गोत का प्रभाव है वो भी देखा जाएगा। बिल्कुल गोत्र का भी देखा जाएगा, काम पे वोट अगर काम पे जनता मोहर लगाएगी तो यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अगर काम के आधार पर वोट देगी तो कांग्रेस जीतेगी जीतेगी कृष्णा पुनिया, कृष्णा पुनिया। और नाम के आधार पर काम देखेगी तो नाम पे गोत्र और देखे तो जीतते हैं नंदलाल पुनिया, नंदलाल पुनिया। और ये देखे भैया वो सिस्टम चलेगा, चलो जी धन्यवाद आपका, बहुत समय समय दिया। बाकी मन में कोई बात रहेगी जो बताने जनता के लिए जो जनता बताना चाहते हो? बिल्कुल हम तो यही करें, आप पड़ोसी तहसील तारनगर में भी जाके वहाँ भी बहुत हॉट सीट है, राजस्थान की हॉट सीट है। अच्छा तारनगर यहाँ से कितना पड़ता है? यहाँ से 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर जाने का काम करूंगा, लेकिन ये है कि माहौल बड़ा गरम गरम है सादलपुर सीट का। तो मेरे साथ मेरे मित्र कहूँ, दोस्त कहूँ, मेरे साथी कहूँ, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट एक पत्रकार है, चाहे वो डिजिटल के हैं चाहे वैसे न्यूज चैनल के हैं, लेकिन ये है जी बात बड़ी स्पष्ट थी, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा अब की बार सादलपुर शहर से सादरपुर हल्के से। तो देखते हैं भविष्य 25 तारीख को किस पे लोग मोहर लगाते, क्या क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं होंगी, किस प्रकार से वोट देने का काम होगा। JNC News से अजय नायक और दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।